लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। श्री राधा रमण भगवान की। 7 दिन में परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आज उन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। राजेश जी परीक्षित जी बैठे हुए हैं। और परीक्षित जी ने हरि नाम का अखंड जाप शुरू किया। उसी समय में तक्षक नाम का जो सर्प है, सभी जो संत महात्मा हैं, वो क्या है, आज परीक्षित को, क्योंकि परीक्षित को आत्मज्ञान हो गया, सभी परीक्षित का जय जय कार्य कर रहे हैं। फूलों की माला परीक्षित जी को चढ़ाई गई और उसी फूलों की माला के अंदर तक्षक ने सूक्ष्म रूप धारण करके फूल के अंदर परीक्षित के गले में पहुंच गए और तक्षक ने विशाल रूप धारण करके उसी समय राजा परीक्षित को रस लिया। लेकिन भागवत जी ने कहते हैं कि वो तो कब के भगवान के धाम को सिधार चुके थे। 5 भौतिक जो शरीर उनका था, जैसे ही तक्षक ने डसा वो सारा जगकर राख हो गया। और ये जो संसार है कैसा है, संसार का सार है, इसमें कोई भी सार नहीं है, सार केवल इसमें है, श्री नारायण। क्योंकि परीक्षित इसके क्या है, प्रमाण है, जिन्होंने 7 दिन भागवत सुनी और उन्हें मोक्ष मिला। परीक्षित गोलोक में वास करने लगे और उसके बाद क्रोधित होकर उनका जो पुत्र है जन्मी है विशाल नाग यज्ञ किया। और लेकिन आस्तिक उन्होंने आकर सर्प यज्ञ को बीच में रोक दिया, हिंसा के ऊपर हिंसा मत करो, गोविंद कीर्तन करो। उनके मन में परम आनंद मिला और वे सत्संग में लीन हो गए। स्वयं वाले ऋषियों से सूत जी पूछ रहे हैं, ऋषियों मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा, ऐसा हम सुनते हैं, परंतु मार्कंडेय मुनि तो हमारे समकालीन संत हैं, हमारे समय में तो अभी प्रलय हुआ ही नहीं, उन्होंने कौन सा प्रलय देख लिया। सूत जी कहते हैं मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा वो कौन सा था, माया का प्रलय था। परमात्मा ने माया का प्रलय दिखाया, सारी दुनिया जलमग्न हो गई, मार्कंडेय पानी में डूब गए और पानी में ऊपर नीचे होते रहे। तब उन्होंने एक विशाल जलाशय में एक वट वृक्ष को देखा और प्रार्थना की, क्या करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे निरोध मुक्त और आश्रय। प्रथम स्कंद में
सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है, कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन है। द्वितीय जो स्कंध है उसमें सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्म की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या है। तृतीय स्कंध में विदुर मैत्रेय का संवाद है, कपिल देवहूति संवाद है, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंध में सती जी का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र और ध्रुव जी के वंश का चरित्र है, चरित्र का निरूपण किए है। पंचम स्कंध में देवर आग्नि नाभि जड़ भरत की कथा और जड़ भरत का रघुवंश से जो सम्मान होता है उसकी कथा है। खगोल भूगोल का वर्णन है और 28 वर्षों की कथा आती है। छठे स्कंध में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान है, गुरु हत्या का परिणाम और मरुद्गण की उत्पत्ति कैसे हुई। सातवें स्कंध में भगवान प्रहलाद का चरित्र, भगवान नरसिंह की कथा है। आठवें स्कंध में गज का उपाख्यान है, गजेंद्र मोक्षम जिसको कहते हैं और समुद्र मंथन की कथाएं, वामन भगवान की कथा और भगवान का मत्स्य अवतार। नवें स्कंध में सूर्य वंश और भगवान श्री राम के जन्म की कथा, राम जी की कथा है, चंद्रवंश और संक्षिप्त जो है भगवान कृष्ण की कथाएं हैं। दसवें स्कंध में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का वर्णन है। प्रभु की करुणा की कथा है। ग्यारहवें स्कंध में नवयोगेश्वर का संवाद है, कृष्ण उद्धव का संवाद है और यदुवंशियों को जो साप लगा उसकी कथा है। यदुवंशियों का आपस में किस प्रकार से संहार हुआ, भगवान का स्वधाम गमन कैसे हुआ और उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर गए। बारहवें स्कंध में कलियुग के विघ्नों का वर्णन और कलियुग में नाम महिमा का वर्णन, इसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और वहां से प्रस्थान किए। तक्षक सर्प के डसे जाने से उनके मृत्यु और उनका मोक्ष, उसके बाद उनके जो पुत्र थे जन्मेजय के द्वारा सर्व यज्ञ और उसके उपरांत मार्कंडेय जी ने जो माया का प्रलय देखा उसकी कथा संक्षिप्त वर्णन है और भागवत का सारांश अंत में सूत जी महाराज कहते हैं। नेत्रगानां यथा Thank you.
से निवेदन है और संस्थापक से निवेदन है कि
यथा योग्य और इन जो मेहमान आए हुए हैं सभी का यथा योग्य सम्मान जरूर करें। और एक बार पूरा आज आठवें दिन आरती के बाद और पुनः इस व्यासपीठ से भागवत रूप की गंगा में आपने स्नान किया। बहुत बहुत साधुवाद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी सदा जो है लक्ष्मी सहित आपके ऊपर और आपके कुटुंब के ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बना के रखें। बोलिए बाके हरलाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री Thank you.
नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।